आज मैं जीवन के एक सबसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूं आपसे, और वह विषय है गुरु का महत्व। कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का स्थान व्यक्ति की जिंदगी में महत्वपूर्ण स्थान होता है। सनातन धर्म ने तो इसे सर्वोच्च स्थान दिया है और बार बार गुरु के महत्व की चर्चा की है। गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति है जो मनुष्य के जीवन की कश्ती को पार लगाता है। व्यक्ति को अपने जीवन में सही गुरु को खोज पाना बहुत ही एक महत्वपूर्ण चुनौती होती है, एक बड़ी चुनौती होती है। अगर व्यक्ति को सही समय पर गुरु मिल जाए तो कहना ही क्या, बिना भटकाव के उसका जीवन किनारे लग सकता है। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप एवं रुद्राक्ष के जरिए सभी लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूं। अपने गुरु को प्रणाम करते हुए मैं इस बात की चर्चा शुरू करता हूं, गुरु के महत्व की बात। तो आपने सुना होगा कि गुरु के बिना ज्ञान अधूरा होता है। यदि कोई व्यक्ति ये सोचता हो कि ज्ञान मिल जाने मात्र से वह अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएगा, तो ये सबसे बड़ी भूल है उसकी। गुरु तो ज्ञान देने के साथ साथ सही मार्गदर्शक है। उस ज्ञान का सही तरीके से कैसे उपयोग किया जाए, व्यक्ति अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचे ज्ञान के जरिए। तलवार अगर गुरु आपको हाथ में पकड़ाता है तो तलवार चलाने का तरीका भी सिखाता है। कलम अगर पकड़ाता है गुरु तो कलम चलाने का तरीका भी सिखाता है, उस कलम से क्या लिखा जाए। गुरु तो इतना गहरा ज्ञान देता है कि गुरु की एक नजर भी आपके भविष्य को बदल सकती है। तो गुरु के साथ बैठ करके जो आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उस सिर्फ ज्ञान को ही ना लें, गुरु के मार्गदर्शन को भी आप अपनाएं। आप देखेंगे कि आपके जिंदगी में किस तरह से परिवर्तन हुआ है। वो लोग सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं जिसे सही समय पर गुरु मिल जाता है। गुरु सही समय पर मिलता है तो सही समय पर सही मार्गदर्शन के द्वारा सही लक्ष्य तक व्यक्ति को पहुंचा करके छोड़ता है। अब मैं आपको बताता हूं कि गुरु का महत्व क्या होता है। चाहे बचपन में शिक्षा की बात हो, उसके बाद व्यापार नौकरी की तलाश हो, या उम्र के आखिरी पड़ाव पर अध्यात्म की प्राप्ति या अपने लक्ष्य की प्राप्ति, परम सौभाग्य को प्राप्त करने की बात हो, प्रत्येक जगह पर गुरु की एक विशेष भूमिका होती है। गुरु आपकी दिशा को तय करता है, आपको दिशा बताता है और उस दिशा पर चलने के लिए मार्गदर्शन भी देता है तथा उस दिशा पर चलने की तैयारी भी करवाता है, ताकि उस दिशा में चल करके आपकी दशा बदल जाए जिंदगी की, जिसे आप तलाश कर रहे हैं। अब जिम्मेदारी आपकी होती है कि गुरु के द्वारा बताए गए सही मार्ग पर सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन, सच्चे भक्ति भाव और सच्चे समर्पण से आप चल पाते हैं या नहीं। अगर नहीं तो जन्म कुंडली में ये देख करके बताया जा सकता है कि आप अपने गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चल पाने में सक्षम हो पाएंगे या नहीं। अगर नहीं हो पाएंगे तो उससे क्या विधि करनी चाहिए ताकि आप सच्ची राह पर चल पड़े गुरु के द्वारा बताए गए। अब मैं आपको जन्म कुंडली में गुरु मिलने का योग क्या है और गुरु सामने से गुजर जाए और आप पहचान नहीं पाए, वो कब होता है। तो कहते हैं कि जब जन्म कुंडली में विकृति बनती है, ग्रहों के योग सही ना हो, तो गुरु आएगा आपसे मिलने। गुरु स्वयं आएगा, आप गुरु के पास नहीं जा पाओगे तो भी गुरु आता है आपको मिलने, आपको आशीर्वाद देने और आपको अपना शिष्य बनाने आता है। लेकिन आप गुरु को पहचान नहीं पाते ऐसी परिस्थितियों में जब ग्रहों की स्थिति खराब होती है। वहीं जब ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी हो तो जन्म कुंडली में तो गुरु स्वयं मिल जाता है और आप भी गुरु से मिल जाते हो। देखिए,
गुरु ग्रह ही गुरु से मिलवाता है। गुरु ग्रह केंद्र स्थान में हो और अपनी उच्च राशि में कर्क की, चाहे वो पहले घर में हो, चौथे घर में हो, सातवें घर में हो, दसवें घर में हो, गुरु जब उच्च का होता है तो ऐसे समय में हंस महापुरुष नाम का योग बनता है। और गुरु के साथ हंस महापुरुष नाम का योग तब भी बनता है कि जन्म कुंडली में धनु राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में गुरु बैठा हो केंद्र स्थानों में, तो भी हंस महापुरुष नाम का योग बनता है। और स्वराशि में मीन राशि में बैठा हो तो भी हंस महापुरुष नाम का योग बनता है। और हंस महापुरुष नाम का योग जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में होता है, ऐसे व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा से भरे पूरे होते हैं। समाज के लोग उन्हें इतना आदर करते हैं कि पूछिए मत, दूर दूर से लोग उनसे सलाह लेने आते हैं। वो एक उच्च पद पर पदासीन हो जाते हैं, प्रवचन करने लगते हैं, लोगों को सलाह देने लगते हैं, कथावाचक हो जाते हैं जब गुरु की कृपा उनके ऊपर हो जाती है। समाज में लोगों से अलग थलग रहने लगते हैं, लोगों के बीच भी रह करके उन्हें समाज का या सांसारिक बातों का कोई भी असर नहीं पड़ता और उनके ऊपर गुरु का आशीर्वाद सदैव बरसता रहता है। धर्माचरण करते हुए भी वह अपने सांसारिक कामों को करते रहते हैं, और ऐसा तब होता है जब किसी के आशीर्वाद उन पर बरसने लगते हैं। कहा जाता है कि मुश्किलें आसान से आसानतर होती गईं, मुश्किलें आसान से आसानतर होती गईं, शायद कोई दूर से दुआ देता रहा। तो कहने का मतलब है कि दूर से भी गुरु के आशीर्वाद आपके ऊपर बरसते रहते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, गुरु की कृपा से ही ज्ञान का खजाना सदैव बढ़ता रहता है। वहीं गुरु किसी पाप राशि के साथ बैठ जाए, क्रूर राशि के साथ बैठ जाए, तो गुरु सामने से गुजर जाएगा तो भी आप अपने गुरु को पहचान नहीं पाओगे, ऐसी स्थिति होती है। ये जन्म कुंडली से पता चलता है। तो जब कभी भी ऐसी स्थिति हो, गुरु की खोज कर रहे हो आप, गुरु के लिए आपका मन छटपटा रहा हो और आपको गुरु की तलाश हो, गुरु आपको मिल ना रहा हो, तो ऐसे समय में जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। बिना विश्लेषण करवाए गुरु की तलाश कर रहे हैं तो विश्लेषण करवा लेने से क्या होगा कि कोई भी ज्योतिषी, कोई भी विद्वान आपको मार्गदर्शन करेगा कि आप ये उपाय करें जिससे आपके ग्रहों की जो विकृत स्वभाव है वो बदल जाएगा और वह आपको सपोर्ट करने लगेंगे, आपको सहयोग देने लगेंगे। तब आपके मन की प्रवृत्ति इस तरह की हो जाएगी कि गुरु के प्रति आपके मन में एक आदर आ जाएगा और गुरु सामने आएंगे तो आप पहचान लेंगे। तो अब मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे उन उपायों को करके आप अपने गुरु की खोज पूरी कर सकते हैं। पहला उपाय यह है कि आप रुद्राक्ष की माला पर सुबह सुबह सूर्योदय के समय स्नान ध्यान करके पवित्रता के साथ एक एकांत स्थान चुने, या आप अपने घर में जहाँ पूजा पाठ करते हो उस स्थान पर पीला आसन बिछाएं, पीला वस्त्र धारण करें, पीला तिलक लगाएं और घी का दीपक जला करके अपने हाथ में चावल और फूल लेकर के, जल एक चम्मच लेकर के संकल्प करें कि यह जो मंत्र मैं पढ़ने जा रहा हूँ अपने गुरु को प्राप्त करने के लिए, इस दुनिया में जहाँ भी मेरे गुरु हों मुझ पर कृपा बरसाएं, अगर न मिल सकें तो वहाँ से मुझे कृपा बरसाएं। तो किसी भी रूप में गुरु, किसी भी व्यक्ति के रूप में गुरु आपको मिलेंगे या स्वयं आकर के आपको मिलेंगे और आपके जीवन की नैया को पार करेंगे। वह मंत्र है ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। इस मंत्र की 3 या 5 माला अगर नित्य सुबह उठ करके पढ़ा जाए तो गुरु की कृपा की प्राप्ति होती है और गुरु की कृपा सदैव बरसती रहती है। दूसरा उपाय यह है कि गुरु की खोज में उत्सुक व्यक्ति 5 मुखी रुद्राक्ष की माला लेकर के 2 मुखी रुद्राक्ष सुमेरु की जगह पर लगवा करके उस माले को पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद में जल से स्नान करा करके किसी भी शिव मंदिर में जा करके शिवलिंग को स्पर्श करा करके उस मंदिर में वहाँ बैठ करके ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जब मंत्र से एक माला पूरा हो जाए तब उस माला को प्रभु की इच्छा मान करके कि हम आपके सामने अपने गुरु की तलाश के लिए माला धारण कर रहे हैं, इस माला धारण करने के बाद हमारे ऊपर हमारे गुरु की कृपा हो, ऐसी प्रार्थना करके
भगवान शिव की वहाँ धूप दीप दिखा करके पूजा करके आप चले आएँ, और उस माला पे हो सके तो आप रोज ओम नमः शिवाय का पाठ किया करें, मंत्र जप किया करें। इससे आपको निश्चित ही गुरु की प्राप्ति होगी, या गुरु का आशीर्वाद जहाँ भी रहेंगे आप तक अगर नहीं पहुँचेंगे तो वहाँ से आपके ऊपर कृपा बरसती रहेगी, इससे आपकी ज़िंदगी की सभी मनोकामना पूरी होगी। अब मैं बता रहा हूँ कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। आपकी ज़िंदगी की किसी भी प्रकार की समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, ताकि उस समस्या पर मैं आपको वीडियो बना करके दे सकूं, जिससे आपके मन की दुविधा दूर हो सके या आपकी परेशानी दूर हो सके। धन्यवाद। नमस्कार।